हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मैड में आज साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? डिस्कस इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अगर आप खुद से अटेम्प्ट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन। सो जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए इस आंसर के लिए, इट शुड बी डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की, उसके बाद वी माइट लिंक इट अप विद इट्स हिस्ट्री। तो ब्रीफ हिस्ट्री अगर आपको मालूम है, एक आध लाइन आप हिस्ट्री की डाल सकते हैं। देन वी विल टेल द कॉजेज के होता क्यों है ये, एंड उसके बाद इम्प्लीकेशंस के इसके होने से क्या हमें आउटकम क्या मिलती है, एंड इसके बाद इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान के बारे में बताते हुए वील एंड अप विद द वे फॉरवर्ड। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। तो इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक जो मेडिसिन्स हैं उनके अगेंस्ट एक ऐसी अपनी एबिलिटी बना लेता है, इधर थ्रू म्यूटेशन और थ्रू चेंजेस, कि वो उन दवाइयों के इफ़ेक्ट से अप्रभावित रहता है। यानी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता कि कोई भी आप उस पर्सन को मेडिसिन देते रहें, लेकिन जो सिम्टम्स हैं या जो डिजीज़ है वो नहीं जाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो रिस्पॉन्सिबल थे उस बीमारी के लिए, दे हैव डेवलप्ड एन इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेम जो ड्रग या जो मेडिसिन है उसके अगेंस्ट। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उनको हम बोलते हैं सुपर बग्स, ठीक है जी। एंड एज अ रिजल्ट जो मेडिसिन हैं वो इन इफेक्टिव हो गए, क्योंकि असर नहीं हो रहा, दवाई खा रहे हैं लेकिन जो बीमारी है वो नहीं जा रही, एंड इन्फेक्शन रहती है उस पर्सन की बॉडी में। एंड फाइनली होता क्या है, इसका जो इफेक्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कि जो रिस्क है स्प्रेड का डिजीज़ का टू अदर्स वो बढ़ जाता है। सो जो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ हैं उनका तो कहना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स हमें नेचर में ही सम मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड मिले हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन इनिशिएटेड या ह्यूमन की वजह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है उसकी बात करें तो ये 1950s के बाद ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग हमने जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी एंटीबायोटिक ड्रग्स की, उसके बाद एक ड्रामेटिक शिफ्ट आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फैक्ट्रीज थी या जो हॉस्पिटल्स थे वहाँ से जब ड्रग्स बन रहे थे तो हो क्या रहा था कि फॉर एग्जांपल द वेस्ट वाटर या जो एक्सक्रीटा है वो सीप करता रहता था फ्रॉम द ड्रग मैन्युफैक्चरर्स या फिर हॉस्पिटल्स, एंड उसके बाद अल्टीमेटली इट स्टार्टेड टू पास ऑन टू अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे पोल्ट्री इस केस में है कि जो पोल्ट्री में अगर हम चिकन की बात करें तो उनको भी एंटीबायोटिक ड्रग्स दे देकर जल्दी बड़ा कर दिया जाता है, ताकि अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी जो हम उनको उनका जो मीट है वो निकाल पाएँ। सो इसी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसके अगर हम कॉजेज की बात करें तो सबसे पहले तो WHO का ही ये एक चार्ट है। सो सबसे पहला जो इन्होंने बताया है, इट इज़ ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं तो अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी उन मेडिसिंस को लेने के लिए, एंड जो डिजीज़ हैं अकॉर्डिंगली उनकी भी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। एंड ऐसा हो सकता है कि आपसे अगर आपके अंदर जो डिजीज़ थे या जो बैक्टीरिया था उसकी रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है, तो एंड इफ By any chance आपसे वो जो डिजीज़ है या जो बैक्टीरिया है किसी और पर्सन को ट्रांसमिट होता है, तो उससे क्या होगा कि वो भी अब उनमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डिजीज़ जो जीन्स हैं या जो बैक्टीरिया है टू बी मोर प्रिसाइज वो आ जाएंगे, एंड इससे क्या होगा कि उनके ऊपर भी उस मेडिसिन का कोई असर होना बंद हो जाएगा। दूसरा कॉज क्या बता रहा है WHO, कि जो पेशेंट्स हैं वो अपनी ट्रीटमेंट को पूरी तरह से फिनिश नहीं करते, एंड इससे क्या होता है कि बैक्टीरियल स्ट्रेन्स वो पूरी तरह से आपकी बॉडी से बाहर नहीं हुए या दे आर नॉट प्रॉपरली किल्ड। तो इससे क्या होता है कि जो जैसे इंजर्ड या जो हम घायल शेर की बात करें तो वो और ख़तरनाक हो जाता है, तो वैसा ही आप यहाँ पर भी इमेजिन कर सकते हैं कि घायल बैक्टीरिया भी घायल शेर जितना ही ख़तरनाक हो गया है। ओके जी, तीसरा क्या है हमारे पास, ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। तो जैसे हमने पोल्ट्री का एग्जाम्पल लिया था, एंड इनफैक्ट कि हम जो इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने के लिए भी ऐसा किया जा रहा था, तो इसके ऊपर ऑल दो बैन है लेकिन फिर भी जो इल प्रैक्टिसेस हैं वो चल रही हैं, इसकी वजह से भी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। फोर्थ हमारे पास क्या है, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक। तो जैसे हॉस्पिटल से जो इन्फेक्शन आप गैदर करते हैं उसका एक स्पेसिफिक नाम भी है दोस्तों, आपको मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो इन्फेक्शन मैंने हॉस्पिटल जाकर ही हासिल किया, अदरवाइज़ आई वॉज
आई डिडंट हैव दैट, तो उसको क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म है, यू नीड टू टेल मी दैट. ओके, तो ये भी एक रीज़न है कि हॉस्पिटल से भी हो सकता है कि आपको वो जो बैक्टीरिया है वो मिल जाए. फिफ्थ हमारे पास है लैक ऑफ हाइजीन एंड पुअर सैनिटेशन. तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए हमने पूरा स्वच्छ भारत मिशन भी चला रखा है, तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल वगैरह भी कोट कर सकते हैं. सिक्स्थ हमारे पास है लैक ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बीइंग डेवलप. तो इसको भी एक मेजर रीज़न समझा जा रहा है कि हमने जो इतने टाइम पहले जो विकसित की थे एंटीबायोटिक्स, उन्हीं के ऊपर वी आर फोकसिंग अ लॉट, एंड नए नए हम इन जो नए जीन्स या जो नए बैक्टीरियल स्ट्रेन्स बन चुके हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमने नई एंटीबायोटिक्स नहीं बनाए. तो इसी वजह से माना जा रहा है कि बार बार एक ही मेडिसिन एडमिनिस्टर करने की वजह से भी जो बैक्टीरिया है इट हैज़ turn out to be resistant. Okay ji, so until now India's fight against antibiotic resistance was focused on getting people to cut down on unnecessary antibiotic consumption. तो अभी तो फिलहाल तो इंडियन गवर्नमेंट या जो हमारा मेडिकल स्टाफ है बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि जो इंडियंस इतने ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, अननेसेसरी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये एंटीबायोटिक ले लीजिए, तो इन सब को कंट्रोल करना ही प्राइमरीली तो मेजर फोकस रहा है. एंड हैविंग टू मैनी एंटीबायोटिक्स कॉजेज बॉडीली पैथोजेंस टू रिजिस्ट दीज मिरेकल ड्रग्स. तो अगर आप एक्सेस में ओवरडोज लेते रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो बॉडी है वो यूज्ड हो जाएगी उन ड्रग्स की, एंड मोरोवर जो बैक्टीरिया है वो भी यूज्ड हो जाएगा. लेकिन 2017 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लेकर आई गवर्नमेंट, जिसमें क्या है कि वेरियस तरीके सजेस्ट किए हुए हैं कि कैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोक सकते हैं. ठीक है जी, दिस इज बिकॉज व्हेन दीज ड्रग्स दे टेंट सॉइल एंड वाटर द सोर्स ऑफ माइक्रोब्स दैट लिव देयर ग्रो ड्रग रेजिस्टेंस. तो जो एक्शन प्लान है बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ड्रग्स के, दे यूजुअली डिस्कार्ड देयर या डिस्पोज ऑफ देयर द वेस्ट मटेरियल्स हियर एंड देयर. तो उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट में स्पेसिफिकली सॉइल एंड वाटर में वो जो स्ट्रेन्स हैं वो चले जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली अब टेंटेड सॉइल है वाटर है तो उसके ऊपर जो क्रॉप्स उगेंगे या फिर जो फाइनली वो रन ऑफ किसी लेक या स्ट्रीम में जाएगा जहाँ से कोई लोग पानी कंज्यूम करेंगे, तो उससे भी क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है. तो पहले तो सिर्फ एक ही फ्रंट पर यानी एंटीबायोटिक कंजम्पशन के ऊपर ही रेगुलेशन करने की बात थी, लेकिन उसके बाद एक्शन प्लान जो हमारा आता है इसकी यही खासियत है कि इसने इसको डाइवर्सिफाई कर दिया, जो हमारा एजेंडा होना चाहिए था टुवर्ड्स एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है जी, तो इसके अब इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा. सो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बढ़ जाएगा. अब क्योंकि जो हमें कॉमन मेडिसिन एडमिनिस्टर की गई थी उससे हम ठीक नहीं हुए, तो इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा एंड और भी ज़्यादा इंटेंसिव केयर चाहिए होगी हमें, तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो बढ़ जाता है. दूसरी चीज़ क्या है कि जो गरीब देश हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक बर्डन कहाँ पर चला जाएगा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जैसे हेल्थ केयर के ऊपर ही. तो जो पैसा मैंने पहले एडुकेशन की तरफ लगाना था या सोशल डेवलपमेंट की तरफ लगाना था, अब मुझे हेल्थ के, क्योंकि अब इमरजेंसी आ चुकी है, रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है, तो इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है या जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है लोगों का भी वो हेल्थ की तरफ चला जाएगा. तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो स्पेसिफिकली पुअर कंट्रीज़ को दे हैव टू फेस इट. इसके बाद इंक्रीज चांसेस ऑफ सिवियरिटी ऑफ इलनेस एंड अल्टीमेटली डेथ. तो रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है तो अकॉर्डिंगली अगर प्रॉपर केयर नहीं मिला, प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या है चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो इलनेस है वो और भी ज़्यादा सिवियर हो जाए या फिर अल्टीमेटली द पर्सन में डाए. इसके बाद मेडिकल प्रोसीजर्स की भी जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं. सो अगर प्रॉपर हमने एंटी माइक्रोबियल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के जो भी हमने तामझाम करना था वो नहीं किया, तो उससे क्या होता है कि मेडिकल जो प्रोसीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसर कीमोथेरेपी या कोई मेजर सर्जरी है, उसका भी अब हमें रिस्क और ज़्यादा झेलना पड़ेगा. तो ये भी जैसे इंटरलिंक्ड ही हैं बीमारियों से ही. एंड उसके बाद फाइनली अब क्योंकि नए एंटीबायोटिक्स दे आर बीइंग डेवलप्ड एंड दे आर नॉट डेवलप्ड इन दैट मच क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए, सो इससे क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे ड्रग्स हैं उनकी एक तो एफिशिएंसी कम होती रहती है क्योंकि बार बार हम सेम ही ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एंड इससे क्या होता है वी आर एग्जैक्बेटिंग द सिचुएशन एज मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया अडेप्ट एंड अराइजेस. तो ऐसा हो सकता था कि अगर एक मेडिसिन खाने से या एक तरह का एंटीबायोटिक खाने से कोई जो बैक्टीरिया स्ट्रेन है वो एंड जो रेजिस्टेंस हो चुका है, तो अगर हम कोई मेडिसिन चेंज करके दे देते तो हो सकता था कि वो
इतना ज़्यादा स्ट्रांग ना होता एंड अल्टीमेटली इट माइट हैव डाइड. बट लेकिन क्या है कि अब क्योंकि सेम ही जो चीज़ है उसको बार बार दी जा रही है, तो वो एक तरीके से अपनी खुराक ही समझ रहा है उसको. ओके जी, इसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान की. तो इंडिया का जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसमें 6 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एरियाज रखे हुए हैं. सबसे पहले जैसे अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग थ्रू एडुकेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके ऊपर जोर देना है कि हमें लोगों को बताना है कि क्या इसके इल इफेक्ट्स हैं. नेक्स्ट हमें क्या करना है, नॉलेज को स्ट्रेंथन करना है एंड एविडेंस गैदर करना है थ्रू सर्विलांस. ठीक है जी, तो अब सर्वेज बढ़ाए जाएंगे, पता चलना चाहिए कि कौन कौन से जो एरियाज हैं वो कितने लेवल तक अफेक्टेड हैं. इसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए भी अब डिटेक्ट कर लिया हमने, तो अब क्या करेंगे, वी विल फाइंड सम वे आउट कि कैसे कंट्रोल करना है इसको. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्टिमाइज्ड माइक्रोबियल यूज इन हेल्थ एनिमल्स एंड फूड. तो इसको रेगुलेट करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी पोल्ट्री है या जो डेयरी फार्मिंग है वहाँ पर तो इसका धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है, तो इसको भी रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिलेटेड रिसर्च एंड इनोवेशन करनी है हमें. एंड फाइनली क्या है कि लीडरशिप को स्ट्रेंथन करते हुए वी हैव टू कमिट एट नेशनल इंटरनेशनल एंड इवन द सब नेशनल लेवल्स, कि हमें अपने घर के अंदर भी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम ऐसा कुछ ना करें जिससे कि जो AMR है वो बढ़ जाए. ठीक है जी, सो दिस एम्बिशियस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, इट हाईलाइट्स क्या, इट हाईलाइट्स द टैकलिंग ऑफ AMR अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, जैसे ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, इन कंसिडरेशन ऑफ द वन हेल्थ अप्रोच. तो ये आप एक तरीके से इसको आप वे फॉरवर्ड में भी या फिर कंक्लूजन में ये बहुत अच्छी लाइन रहेगी कि इसने कितना ब्यूटीफुली एक ही पैराग्राफ में या एक ही लाइन में पूरा जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उसको एक्सप्लेन कर दिया. तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको. ओके जी, इसके बाद है एडुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो अब थोड़ा थोड़ा जो भी हमने इन पॉइंट्स के ऊपर बात की थी वहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे विल बी इम्प्लीमेंटिंग द सेम. सबसे पहले एडुकेशन एंड ट्रेनिंग में क्या करना है, हमें जो करिकुलम है वो रिवाइज करना है फॉर द प्रोफेशनल्स जो फूड, एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट सेक्टर में रिलेटेड हैं. क्यों, क्योंकि अब क्योंकि AMR इतना इंपॉर्टेंट एक चीज बन चुकी है कि फाइनली इसको एड्रेस करना जरूरी है. एंड जो हमारे पहले से जो चीजें चली आ रही हैं उनको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा ताकि हम वही मिस्टेक बार बार ना करते रहें, वैसे ही ड्रग्स ना बनाते रहें या फिर वैसी ही चीजें हमारी जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको फीड ना करते रहें. इसके बाद कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी भी बहुत जरूरी है, तो क्योंकि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं अगर उनको नहीं मालूम होगा कि कैसे चीजों को चेंज करना है तो हाउ वुड दैट हैपन. नेक्स्ट वी हैव सर्वेलांस. तो सर्वेलांस में क्या है कि एक तो नेशनल लेवल सर्वे करने हैं हमें ऑफ द सेक्टर्स, जैसे एनिमल, फूड एंड एनवायरनमेंट. तो इन सब सेक्टर्स में जो एंटी माइक्रोबियल यूज के सर्वे करने बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद नेशनल लेवल सर्वे ऑफ एंटीबायोटिक रेसिड्यूज इन फूड फ्रॉम एनिमल्स इन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट फ्रॉम फार्म्स, फैक्ट्रीज, मेकिंग एनिमल फीड, प्रोसेसिंग मीट, डेयरी, फिश, वेटनरी एंड ह्यूमन हेल्थ केयर सेटिंग्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो हमें सर्वेलेंस करने पड़ेंगे या अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ पर ये जो इफेक्ट हैं इस चीज़ के AMR के वो जा सकते हैं. सो ये सब सेक्टर्स आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसलिए आई हैव मेंशनड ऑल दैम. ओके जी, इसके बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने अकॉर्डिंगली कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे हमें, स्पेसिफिकली फॉर द वेटनरी सेटिंग्स एज वेल, क्योंकि एनिमल्स भी उतने ही ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस चीज़ से जितने कि ह्यूमंस हैं. इसके बाद अवेयरनेस इंक्रीज करनी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी. तो काफ़ी जेनरिक से ये जो इलाज हैं हम कर रहे हैं, क्योंकि अब बायो सेफ्टी के लेवल पर तो जो रिसर्च होगी वो तो साइंटिस्ट ही करेंगे. अकॉर्डिंगली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है जी, तो उसके बाद ट्रेनिंग ऑन बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी, हाइजीन, गुड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अमंग रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स. तो इनके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमें देखनी है. इसके बाद रिस्पॉन्सिबल एंड ऑप्टिमाइज्ड एंटीबायोटिक यूज़. तो ये जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उन वी नीड टू इंश्योर कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें वाइल दे आर गिविंग द ड्रग्स. उसके बाद फोकस ऑन एनवायरमेंट. तो इसमें क्या है कि रिडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन विद रेजिस्टेंट पैथोजेंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिड्यूज थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेसेसरी लॉज. तो सबसे पहला तो रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट है ताकि जो मिसयूज है वो ना हो सके. एंड इसके बाद एनवायरनमेंट की रिस्क असेसमेंट करनी, जो प्रोसीजर है क्या
एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बना रहा है ऐसे ड्रग्स उनको कैसे हैंडल करना है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनवायरमेंट इज़ एट स्टेक. एंड जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वो एक बहुत अहम स्टेप निकल कर सामने आया है एंड इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन क्योंकि वो इन सब चीज़ों को इनकम्पास करते हुए ही चल रहा है. सो दिस वुड हेल्प इन कंटेनिंग द राइजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया. एंड क्योंकि जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है तो सभी स्टेट्स की भी इक्वल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर द स्टेट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड इट शुड नॉट एज वेल. सो ऑल स्टेट्स मस्ट पार्टिसिपेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू फाइट आउट द मेनेस ऑफ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो अब जाते जाते वे फॉरवर्ड देख लेते हैं. वे फॉरवर्ड में क्या है कि हमें एक इंश्योर करना है रॉबस्ट नेशनल एक्शन प्लान जो टैकल करेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को एंड इज़ बींग इम्प्लीमेंटेड वेल. तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है या ये कि इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, ग्राउंड लेवल पर इसका काम अच्छे से हो, ये हमें देखना है क्योंकि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है वो तो काफ़ी सही एक डॉक्यूमेंट तो हमने बना लिया लेकिन अब तब तक वो रिडंडेंट है जब तक ग्राउंड लेवल पर उस चीज़ को हम यू नो कॉपी नहीं कर देते. इसके बाद इम्प्रूव सर्वेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस. तो जो इन्फेक्शंस हैं उनका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए हमें वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड विद आ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स अगर ऐसा कुछ मिलता है तो. एंड इसी के लिए वैसी ही पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे. इसके साथ साथ रेगुलेट एंड प्रमोट द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ डिस्पोजल ऑफ क्वालिटी मेडिसिन. तो मेडिसिन भी अच्छी क्वालिटी की हों ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पुअर क्वालिटी मेडिसिन कैन लीड अस इनटू अ विशियस साइकिल जो बार बार वही चलता रहेगा फिर. एंड फाइनली मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो इंफॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट एज दे कॉल इट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट. तो फाइनली अब आपको आई होप कुछ थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से एंटीबायोक्रोबियल रेजिस्टेंस है कैसे हमारा एक्शन प्लान उसको डील कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली कौन कौन से सेक्टर्स उससे प्रभावित हो सकते हैं. सो दैट इज ऑल. थैंक यू.